इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे की रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर मैं जुल्म करने वालों पे एफआईआर भी कर सकता हूँ, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूँ और मैं ये आपको दिखाऊंगा। ये गैर जिम्मेदारी है, मैं गैर जिम्मेदारी ठीक हूँ, मुझे फख्र है इसमें। इस आवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम बैठ के जिम्मेदार बन के और अच्छे अच्छे बन के जो है तालुका बनाते फिरे। इस आवाम ने वोट इसलिए दिया है कि हमने उनकी जंग लड़नी है, उनकी हक की जंग लड़नी है। यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई 22 घंटे की लो शेड्यूल से 18 घंटे होगी, मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। और मैंने कल भी उस मीटिंग में कहा था, आईजी साहब भी मौजूद थे, किसी साहब भी मौजूद थे, कि झूठ और धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। न मेरी तरबियत ये है और न मेरी पार्टी की ये तरबियत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। 120 अरब काट लो, 120 अरब काट के तो मुझे 24 घंटे बिजली देनी चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ चलो 24 घंटे ना दो, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तुम गरीब हो, गरीब स्कूल को तुमने बनाया, फिर भी मैं कहता हूँ चलो रख लो 120 अरब रख लो, लेकिन मेरी लोड शेडिंग जिन इलाकों में 22 घंटे है या 18 घंटे है वहाँ 12 होगी, जो 12 है वो 8 होगी, जो 8 है वो 4 होगी, जो 4 है वो 0 होगी। मेरा पैसा बनता है इसका 60 अरब मेरी सवाम की वजह से मैं आपको देता हूँ। अगर आपको बहुत भूख है या आपके पेट अभी तक नहीं भरे, भूल के लिए देने को तैयार हो, फिर भी आपको नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप हमें, वो कहते हैं ना कि सारा फलेसर गॉड, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना आपके पास बैंडेट है, ना आपके साथ अवाम है, ना आपके साथ इखलाकी कुव्वत है। खुदा की कसम अगर हम निकल पड़े ना, एक तो हमारी पार्टी की तहरीक है और एक ही अवाम की तहरीक है, और बाकी आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। मैं जब मिनिस्टर था कश्मीर अफेयर्स का, तो हर कश्मीरी मुझे क्या कहता था कि हम पश्तूनों की इसलिए इज्जत करते हैं कि पश्तूनों ने हमारे साथ कश्मीर की आजादी की जंग लड़ी है, जिनकी आजादी में हमें जगह लड़ी है। तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। जिनकी आजादी में हमने जंग लड़ी वहां जाकर आज भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने तुम्हारी हवा निकाल दी है। तो फिर हमें इस बात में बतलाओ, बैठो मसले को हल करो, नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। ऐसा कुछ कर जाए कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले, डिक्शनरियां खत्म हो जाएंगी, अल्फाज खत्म हो जाएंगी, और हमारा वहां से शुरुआत होगा। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। मेरे लोगों पे आप टैक्स लगाओगे, मेरे लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लोगे, सूबे को ऑन बोर्ड नहीं लोगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाए, तुम वो पैसे लूटो खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो, ये तजर्बा करके देखो, देखो तुम्हारा हाल क्या होता है।